सब जॉम्बिस बुल्ली और शॉन अड्डे की ओर जाने लगे। एक जॉम्बिस बुल्ली और शॉन को बॉस के पास ले गया। बुल्ली और शॉन को देखकर बॉस खड़ा हो गया और बोला, आओ मेरे नए दोस्तों, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। बुल्ली और शॉन ने खुश होकर कहा, आज से आप हमारे बॉस हो। बाबा हेलीकॉप्टर लेकर समंदर की ओर निकल पड़े थे। वो सोच रहे थे कि आखिर समंदर में जॉम्बिस कहाँ से आ गए। थोड़ी देर बाद बाबा का हेलीकॉप्टर समंदर में पहुंच गया। बाबा समंदर में इधर उधर देख रहे थे। अचानक उन्हें बर्फ के पर्वत के पास एक बड़ी बोट दिखाई दी। बाबा हेलीकॉप्टर को टर्न मारकर उस तरफ ले गए। गुल्ली हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर बोट की डेक पर आ गया था और हेलीकॉप्टर की ओर हाथ हिला रहा था। बाबा ने गुल्ली को देख लिया। बाबा ने हेलीकॉप्टर को लैंड किया। गुल्ली बोट पर से जंप मारकर नीचे आ गया और चलकर बाबा के पास आया। गुल्ली ने कहा, बाबा मैंने बुल्ली और शॉन को देखा, पर वो दोनों जॉम्बिस बन गए हैं और जॉम्बिसों के साथ चलकर उस तरफ गए हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, चलो हम भी वहाँ पैदल ही जाते हैं। दोनों चलते हुए उस तरफ जाने लगे। बॉस ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुन ली थी। उसने पास में खड़े जॉम्बिस से कहा, जाओ छत पर जाकर सब जगह देखो, हमारे पर्वत पर कौन आया है। जॉम्बिस चलकर छत की ओर जाने लगा। बाबा और गुल्ली पहाड़ी पर लेटकर अड्डे की ओर छिपकर देख रहे थे। जॉम्बिस छत पर से दूरबीन से सब जगह देख रहा था। उसने बाबा और गुल्ली को पहाड़ी के पीछे छिपे हुए देख लिया। वो तुरंत ही नीचे जाने लगा। बॉस के पास पहुंचकर बोला, दो आदमी छिपकर यहां देख रहे हैं और उसमें से एक समंदर में कूद गया था। वो हमारे दो नए साथी का दोस्त है। बॉस ने कहा, जाओ हमारे चार जॉम्बिस को लेकर जाओ और उन्हें पकड़कर यहां ले आओ। बाबा और गुल्ली बेखबर थे कि चार जॉम्बिस चलकर उनकी तरफ आ रहे हैं। बाबा ने कहा, वहां तो बुल्ली और शॉन दिखाई नहीं दे रहे हैं। पीछे से कुछ आवाज आई। बाबा और गुल्ली ने खड़े होकर घूमकर देखा तो सामने चार जॉम्बिस खड़े हुए थे। बाबा और गुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। एक जॉम्बिस ने कहा, यहाँ हमारे इलाके में क्या कर रहे हो, चुपचाप हमारे साथ चलो, हमारे बॉस ने तुम लोगों को लाने के लिए हमें भेजा है। बाबा ने जॉम्बिस से कहा, इतनी भी क्या जल्दी है। बाबा ने हाथ उठाकर एक्शन मारी और बोले, चलो कुछ तूफानी करते हैं। चारों जॉम्बिस फाइट करने के लिए तैयार हो गए। बाबा और गुल्ली ने कूदकर तीन जॉम्बिसों को लात मारकर दूर गिरा दिया। बचा हुआ चौथा जॉम्बिस भाग गया। यहाँ जॉम्बिस बनने के बाद गुल्ली और शॉन को बहुत मजा आ रहा था। वो जॉम्बिसों के साथ डांस कर रहे थे। बाबा और गुल्ली चलते हुए जा रहे थे, तभी एक जॉम्बिस दौड़ता हुआ आया और छलांग मारकर गुल्ली को लेकर नीचे जाकर गिरा। बाबा ये देखकर परेशान हो गए। वो जॉम्बिस दौड़ते हुए जाने लगा। गुल्ली नीचे गिरा हुआ था। वो खड़ा हुआ, पर वो भी जॉम्बिस बन गया था। बाबा दौड़ते हुए गुल्ली के पास आए। बाबा ने कहा, गुल्ली तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें। बाबा को जोरदार घूंसा पड़ा। बाबा गिर गए। गुल्ली दौड़ते हुए महल की ओर जाने लगा। बाबा खड़े हुए और महल की ओर जाने लगे। बाबा बहुत ही गुस्से में थे। जॉम्बी बना गुल्ली अड्डे पर पहुंच गया। वो चलता हुआ पहले बॉस के पास गया। बॉस ने उसे देखा और खड़ा हो गया और बोला, शाबाश, आखिर तुम भी अपने दोस्तों के पास आ ही गए। जाओ, वो लोग बाजू में डांस कर रहे हैं, तुम भी जाकर एंजॉय करो।
गुल्ली वहां से चला गया। गुल्ली और सोन के पास पहुंचकर वो भी डांस करने लगा। बॉस ने पास में खड़े जॉम्बी से कहा, अभी जो हमारा नया साथी आया है उसके साथ दूसरा था वो कहाँ है, जाओ पता करो। पर तभी फाइटिंग की आवाजें आने लगी। बॉस ने उस तरफ देखा तो बाबा जॉम्बीसों से फाइट कर रहे थे। बाबा बहुत खतरनाक मूड में थे। सब जॉम्बीस इधर उधर मार खाकर उड़कर गिर रहे थे। बॉस ने जोर से कहा, सब रुक जाओ। गुल्ली बुल्ली और शॉन डांस करते हुए रुक गए। बाबा फाइट करते हुए रुक गए। बॉस चलता हुआ बाबा के पास आया। बॉस ने कहा, आप क्यों मगजमारी कर रहे हो, आप भी हमारी टोली में शामिल हो जाओ, तुम्हारे तीन लड़के तो हमारे हो ही चुके हैं। बॉस की बातें सुनकर बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।